सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड ज्ञान को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पे ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं अनलिमिटेड ज्ञान। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था और मुझसे पूछा था कि आप हमें बताइए कि हमारे लिए कौन सा इंश्योरेंस प्लान सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए और वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसी बात को लेके कि उन्हें कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना है, कौन सा उनके लिए बेस्ट रहेगा, और वो काफ़ी इसके बारे में सर्च करते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस प्लान बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सभी लोगों की अपनी अपनी एक ज़रूरत होती है और सभी लोगों की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इंश्योरेंस प्लान सभी की ज़रूरतों को और सभी की जो चॉइसेस हैं उनको पूरा कर सकें। तो LIC ने इसी की बात को देखते हुए 30 से ज़्यादा इंश्योरेंस प्लान बनाए हुए हैं ताकि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको प्लान्स दे सकें। और ऐसा मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सबकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग एक ही वीडियो में मैं उनके लिए जो बेस्ट प्लान है वो बता पाऊं। तो इसीलिए मैंने जो ज्यादातर लोग पूछते हैं उन्हीं टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपका टॉपिक भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा और मैं आपको इसमें टॉप 5 बेस्ट प्लान्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में मैंने पॉइंट रखा है वो है गर्ल मैरिज का या चिल्ड्रन हायर एजुकेशन का। तो जिन लोगों की भी लड़कियां हैं वो चाहते हैं कि वो अभी से उनके लिए एक सेविंग करना स्टार्ट कर दें ताकि उनकी मैरिज वो अच्छे से कर सकें। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा LIC में जीवन लक्ष्य प्लान जो कि प्लान नंबर 833 है। इसके बारे में आपने कई बार फेसबुक या व्हाट्सएप पर एक इमेज भी देखी होगी जिसे एडवर्टाइजमेंट मैं कह सकता हूँ कि उस एडवर्टाइजमेंट में आपको कन्यादान पॉलिसी के नाम से वो देखा होगा। तो जो कन्यादान पॉलिसी है वही जीवन लक्ष्य प्लान है तो वो आप ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में रखा है वो है हाई रिटर्न का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक अच्छी सेविंग करना चाहते हैं और सिक्योरिटी के साथ साथ चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छी रिटर्न मिल जाए। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा LIC में जीवन लाभ प्लान जो कि प्लान नंबर है 836 LIC में। ये प्लान मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर इस प्लान का कंपैरिजन करते हैं किसी हम LIC के और किसी प्लान से तो इस प्लान में आपको कम पैसे देके और प्लान से ज़्यादा अच्छी मैच्योरिटी देखने को मिल जाती है। तो थर्ड पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में रखा है वो है लाइफ टाइम रिस्क कवर प्लस मैच्योरिटी का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें लाइफ टाइम तक इंश्योरेंस मिल जाए, साथ के साथ कुछ समय बाद जो है मैच्योरिटी अमाउंट भी उन्हें अपनी पॉलिसी का मिल जाए। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा LIC का जीवन आनंद प्लान जो कि प्लान नंबर 815 आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्लान मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका लाइफ टाइम तक इंश्योरेंस रहता है और साथ के साथ जितने भी टाइम के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं वो टाइम पूरा होने के बाद आपको अपना मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। और कई बार ऐसा मुश्किल हो जाता है कि 50 से 60 साल की उम्र के बाद इंश्योरेंस नहीं हो पाता, तो इस पॉलिसी लेने में आपकी लाइफ टाइम तक का इंश्योरेंस हो जाता है तो आपको उसके बाद कोई चिंता नहीं होगी कि आपका इंश्योरेंस नहीं हो रहा है उसको लेकर। तो फोर्थ पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में रखा है वो है मनी बैक का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें अपनी पॉलिसी में बीच में मनी बैक मिलता रहे या जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट भी कह सकते हैं, इस तरह से बीच में कुछ साल बाद अमाउंट मिलता रहे। तो उन लोगों को मैं प्लान सजेस्ट करना चाहूँगा वो है मनी बैक प्लान, प्लान नंबर 820 और प्लान नंबर 821। ये दो प्लान अलग अलग से हैं। जो प्लान नंबर 820 हैं वो 20 साल के लिए हैं और जो प्लान नंबर 821 हैं वो है 25 साल के लिए। इसमें आपको हर 5 साल बाद मनी बैक मिलता रहता है जब तक आपकी पॉलिसी चलती है। तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा प्लान रहेगा जो चाहते हैं कि उन्हें कुछ साल बाद मनी बैक प्लान मिलता रहे। इन सब की जो मैं आपको बता रहा हूँ इनकी डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इन प्लान्स की डिटेल में जान सकते हैं। उसके बाद जो मैंने फिफ्थ पॉइंट रखा है वो है पेंशन का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पे चाहते हैं कि उनका पैसा कहीं वो इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम उनसे जनरेट हो सके और वो चाहते हैं कि 3 महीने में, हर महीने या 6 महीने में या साल में उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे और एक पेंशन की तरह उन्हें अमाउंट मिलता रहे। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस पैसे को जो भी
पैसा एक साथ लगाना चाहते हैं, उस पैसे को जीवन अक्षय प्लान में लगाइए। उस प्लान में जो भी आप पैसा लगाते हैं उस प्लान पे एक पेंशन का अमाउंट आपको जो भी टाइम पीरियड आप सेलेक्ट करते हैं उसमें मिलता रहेगा, और ये अमाउंट आपको मिलता रहेगा जब तक आप जीवित हैं। जब आपकी इसमें डेथ हो जाती है तो जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था वो सम एश्योर्ड आपकी फैमिली को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने और किसी ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे जान सके कि उनके लिए कौन सा इंश्योरेंस प्लान बेस्ट रहेगा, ताकि वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस प्लान ले सकें।